आइए संजय भाई, साहिल भाई, और अरे है ना भाई सब ऊपर है, आ जाओ आ जाओ, अरे आ जाओ भाई सब। जी देखिए म्यूज़िक तो बहुत अच्छी है इस फिल्म के, जो डायरेक्टर हैं हमारे मुकेश भाई, उनको पसंद आया कुछ, उन्होंने गाने बनाने के लिए कहा था उन्होंने, तो मैंने बनाया उनको, उन्होंने सेलेक्ट किया अभी जो जिस गाने का आज जिस गाने से मुहूर्त कर रहे हैं वो, और इसके लिरिक्स राइटर हैं शैलेंद्र शर्मा जी और सिंगर हैं हमारे अरविंदर जी, तो बहुत अच्छे सिंगर हैं। बाकी का गाना आप लोग खुद सुनेंगे, एक आइडिया हो जाएगा आपको कैसा है। कोई सिचुएशन दी गई थी आपको गाने बनाने के लिए, और किस प्रकार के गाने बनाए हैं आपने और क्या क्या सिचुएशन पे तैयार हुआ है? सिचुएशन बताया था मुकेश जी ने मुझे, और 3-4 गाने बनाए थे मैंने, तो फाइनली जाके आज जो रिकॉर्ड हो रहा है वो गाना उन्होंने सेलेक्ट किया, और जिसके बोल बड़े अच्छे हैं शैलेंद्र शर्मा जी ने लिखे हैं जिसके, और मुकेश जी तो ऐसे हैं ही है डायरेक्टर कमाल के, और अरविंदर जी गा रहे हैं। बाकी का गाना आप लोग खुद सुनेंगे, और आजकल जो गाने चल रहे हैं मोस्टली ऐसा नहीं कह सकते कि मतलब कि कुछ बहुत बड़ा हट के, लेकिन अच्छा गाना, बेहतर गाना जो लोगों को पसंद आएगा, और हर किसी का ख्वाब होता है कि भाई हमारे गाने अच्छे बने, और उम्मीद है कि शायद पब्लिक को, क्या उम्मीद क्या यकीन है कि पब्लिक को पसंद आएगा ये गाना। किस प्रकार के गाने हैं, लाइक जैसे रोमांटिक गाने या नहीं, ये क्लब सॉन्ग कह सकते हैं आप, डांसिंग डीजे वीजे इस टाइप का सॉन्ग है ये जो आजकल चल रहे हैं मोस्टली, दरअसल ये रोमांटिक सॉन्ग नहीं कह सकते इसे आप, पार्टी सॉन्ग कह सकते हैं इसे, इस टाइप का गाना है ये। थैंक यू। हर पल है यहाँ धोखा, इसमें कहाँ धोखा मिला और क्या कहना चाहते हैं, खुशी हो रही है आज? अरे खुशी तो बहुत हो रही है, ये मेरा दूसरा प्रोजेक्ट है, मुझे बहुत खुशी है ये करते वक्त। आज हमारे ओपनिंग है हमारी मूवी की, आज मुहूर्त है, गाना रिकॉर्ड किया जाएगा हमारी मूवी का, बहुत एक्साइटेड हूँ इस मूवी को लेके, क्योंकि बहुत ही चैलेंजिंग करेक्टर है मेरे लिए जो मैं प्ले करने जा रहा हूँ। लेट्स सी व्हाट हैपेंस अगेन। क्या क्या किस प्रकार का किरदार है, अगर किरदार की बात करें? किरदार इसमें मेरा एक नेगेटिव लीड है, और ये किरदार ऐसा है कि मैं अकॉर्डिंग टू मूवी मैं हीरो रहता हूँ, लास्ट में जाके एकदम से मैं विलन निकलता हूँ। दैट्स व्हाई इट्स अ सुपर मूवी, सो ऑसम स्क्रिप्ट वाइज, बहुत ही हमारे डायरेक्टर मुकेश जी ने बहुत ही इस पर काम किया है। आप लोगों को जरूर पसंद आएगी, मैं तो यही चाहूँगा कि आप लोग जरूर देखने जाएं इस मूवी को, और मैं सपोर्ट करते रहें। किरदार के बारे में बात करें तो किस प्रकार का प्रिपरेशन चल रहा है, क्या और तैयारी करने के लिए मुकेश जी ने अभी चल रहा है? अभी फुल टू हार्ड वर्क चल रहा है इस पर, हमारी क्लासेस चल रही हैं 2Z, फुल डांस क्लास, एक्टिंग क्लास, पूरे वर्कशॉप चल रहे हैं 2Z, बस लगे हुए हैं, अभी रिजल्ट आएगा तभी मालूम चलेगा। कितने एक्साइटेड हैं आप? बहुत एक्साइटेड हूँ इस प्रोजेक्ट को लेकर, ये मेरा सेकेंड प्रोजेक्ट है और फुल टू मेहनत करने लगा हूँ, और मैं यही चाहूँगा कि मेरे बोलने से ज़्यादा आप देखकर आप मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच। अपने बारे में ब्रीफिंग करिए, अपना नाम बताएं और इस फिल्म में क्या कर रहे हैं उसके बारे में। हाय, दिस इज जीत राय सिंह, एंड मैं मुकेश जी को धन्यवाद करना चाहूँगा उनकी आने वाली फिल्म धोखे के लिए। जैसे कि आपने देखा होगा तो हमारी दुनिया में हर पल हर सेकंड धोखा कहीं ना कहीं है, लेकिन इस फिल्म के जरिए मुकेश जी पब्लिकली लेके आ रहे हैं कि धोखा कैसे होता है एक्चुअली, तो रियल लाइफ में। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, हाँ, कि आपका किरदार इस फिल्म में क्या है, धोखा किसको धोखा दे रहे हैं आप, डायरेक्टर को धोखा दे रहे हैं, हीरोइन को धोखा दे रहे हैं? देखिए, मेरे किरदार के बारे में तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी जो मेरा किरदार है वो भी एक तरीके का धोखे में ही बंधा हुआ है, कि मैं आपको अभी अपने किरदार के बारे में बता नहीं सकता, ये एक सीक्रेट। तो ये पब्लिक को आप धोखा दे रहे हैं कह सकते हैं ये अपने आप को? तो मुकेश जी कैसे, मुकेश जी और आपका अगर बात करें तो कैसा रहा है, कैसे? मुकेश जी को मैं पिछले 2 साल से फॉलो कर रहा हूँ, इज अ वेरी गुड डायरेक्टर, तेरी फितरत से मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छा उन्होंने तेरी फितरत में काम किया है, उनका जो डायरेक्शन है, एक जो पिक्चराइजेशन है वो मुझे बहुत पसंद है, उनका जो पिक्चराइजेशन है बहुत बड़ा है, तो इसलिए मैं उनके तब से ही फॉलो कर रहा हूँ उनको कि मुझे भी कास्ट कीजिए अपनी फिल्म में। जैसे कि आपने देखी होगी मेरी एक फिल्म मकड़ जाल पॉलिटिकल ट्रैप, वो मेरी एक वन ऑफ द गुड फिल्म थी, और आने वाली फिल्म है मेरी कोहरा जिसमें मैं लीड प्ले कर रहा हूँ, और होपफुली आप मुझे धोखे में भी देखेंगे, मुकेश जी क्या मेरे साथ धोखा करते हैं
या सच्चाई करते हैं ये देखेंगे आप ब्रेक के बाद. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Hi, good evening press. I'm Shravan. I'm South Indian actor. I did more than 65 films. So this is my first Hindi debut film as a hero. Do saal ke pehle Mukesh Bhai, means Mukesh Bhai is director of this film. He came to me to Hyderabad. He explained the script. So bahut acha laga. So we were looking for the producer. So luckily after 2 years we got a very good producer. So we are starting a film. Hope so. I have very good fame in South India. So I'm wishing the same thing in North India. So fame aana wale to mostly promotions are very required. So promotions ke liye, you know, press is the main thing. So please promote me in North also. Thank you. हर पल यहाँ है धोखा, तो किसको धोखा देंगे इस फिल्म में? वो जो डायरेक्टर को बता है तो बेस्ट है, बताना है तो स्क्रिप्ट उसका है. वो एक ही इम्पोर्टेंट थिंग है, वो बताए तो आपके स्टोरी पूरा मालूम होता, इसलिए आप स्टोरी देखो तो पक्का मालूम होगा. और मुकेश जी के साथ कैसा आपका एक्सपीरियंस? मैं उसका स्क्रिप्ट देखा था, वो स्क्रिप्ट बोलते टाइम पूरा मुझे पिक्चर बताया. वैसा ही इज वेरी डेडिकेटेड डायरेक्टर, सो आई एम वेरी हैप्पी वर्किंग विथ हिम. Wish you all the best. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you very much. Yeah, just look here. Let's camera look. मैंने तेलुगु मूवीज़ में 10-15 मूवीज़ किया है. विलन का रोल और कॉमेडी रोल, मेन कैरेक्टर्स रोल भी किया हूँ. तो मुकेश जी आए मेरे पास और ये मूवी के बारे में बोले, तो रोल काफ़ी अच्छा है. तो आई होप दिस मूवी डज वेल. ऑल द बेस्ट टू मुकेश भाई. थैंक यू. जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा. ओम शांति 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 सुख शांति रहो. ओम कर्पूर गौरम कर्णावतारम अवतार धारम भुजगेंद्रहारम ओम तत्पुर साहब विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्. ओम कात्यायन विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्. ओम दिगापुटं पदपाटलाय कुन्नारजालकर वीरसारं धोखा तो है भाई, वो तो फिल्म को आप जब देखोगे तो आपको पता चल जाएगा. वेल, खुशी की बात है. तो जैसे हम लोग जब स्टडी करते हैं और हमारा रिजल्ट आता है तो हम कैसा एक्साइटेड रहते हैं, सोचते हैं. तो अभी मैं रिजल्ट की एक्साइटमेंट में नहीं हूँ, अभी मेरे लिए बहुत बड़ा एग्ज़ाम है. बिकॉज आज हमारी ये फिल्म धोखा की शुरुआत है, मतलब आज मुहूर्त है. तो आज सॉन्ग से रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो रही है, फिर उसके बाद हमें अपने परफॉर्मेंस दिखाने हैं, हमें अपना टैलेंट दिखाना है, हमें अपना एक्ट दिखाना है. तो वो हमारे लिए एक तरह से एग्ज़ाम्स हुआ.
फिर उसकी जो रिजल्ट की तैयारी होगी तो व्यूअर्स आप लोग और आप लोग ही देखें। थोड़ा सा नर्वस फील होता है क्योंकि जब हम अपनी लाइफ की शुरुआत करते हैं काम को लेके, तब और जब हमारे पास कोई नया प्रोजेक्ट आता है, बिकॉज आज के डेट में इतना कंपटीशन है, इतना कंपटीशन है, चैलेंज बहुत है, और हर आर्टिस्ट कुछ ना कुछ अपने लिए एक आइडेंटिटी बनाता है, एक उसका लैंडमार्क होता है, यू नो, एक मार्केबल यू कैन से लाइन्स वाइज, डायलॉग्स वाइज या फिर किसी भी वाइज। तो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा बिकॉज ये पूरे फिल्म में से मैं अकेली फीमेल हूँ, तो अब मुझे यही लग रहा है कि इतने सारे जो कॉन्स्पिरेसी है फिल्म में, थ्रिलर है, सस्पेंस है, बहुत एक्ट करना है, बहुत बेहतरीन से इसमें काम करना है, और मैं चाहूँगी कि व्यूअर्स और आप लोग सब लोग मुझे ब्लेसिंग दें, मुझे विशिंग दें कि मैं अच्छे से काम कर सकूं। तनिषा, अगर बात करें धोखा की, तो किस प्रकार के किरदार है और किसको किसको धोखा देते हैं? गलत बात शुरुआत में बोलूँगी तो आप लोग तो आओगे नहीं। अभी मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि ये एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी है और मेरा जो किरदार है शी इज़ अ लाइक सेंटर करेक्टर, तो जितना धोखा, जितना सस्पेंस और कॉन्स्पिरेसी, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये जो किरदार है माया का, तो ये जो माया है, या मे भी नाम चेंज हो सकता है, अभी तो फ़िलहाल मैं माया मुझे याद है, तो इसके लिए है। तो माया जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें, और उसके इर्द गिर्द बहुत से ऐसे करेक्टर हैं, मतलब सिर्फ माया ही सब कुछ नहीं है, और भी लोग हैं जो, और हमारे जैसे को स्टार है, तो सबकी एक इंडिविजुअल, सबकी एक इंडिविजुअल, सबका अपना अपना एक एक्ट है। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग थिएटर में मुझसे पूछें, क्योंकि मैं अभी बता दूँगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर आप लोग आओगे नहीं, अपने उनका जो 2.5 घंटे का कीमती समय आप लोग दोगे नहीं, तो बस अभी थोड़ा सा सस्पेंस रहने दीजिए। डायरेक्टर मुकेश जी के साथ कैसा केमिस्ट्री रहा? मुकेश जी के साथ ऑलरेडी मैं पहली फिल्म कर चुकी हूँ, और आने वाले 2-3 फिल्में हम और लगातार कर रहे हैं। एक सस्पेंस मैं आप लोग को बताना चाहूँगी कि बता दूँ क्या? एनीवेज आपने नाम सुना होगा प्रत्युषा बैनर्जी, कैसे नहीं सुना होगा, आज के डेट में बच्चा 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 जानता है। एक इसके बाद हम एक और फिल्म कर रही हूँ जिसमें प्रत्युषा बैनर्जी का किरदार मैं खुद निभा रही हूँ, और मुकेश अग्रवाल जी उसमें डायरेक्टर है। तो ये मेरी 3री फिल्म होगी मुकेश जी के साथ, एक तो धोखा, और 3री आने वाली फ्यूचर में ये जो प्रत्युषा बैनर्जी के ऊपर जो हम स्टार्ट करने वाले हैं। मैं कोशिश करूँगी कि उसमें भी शायद अच्छा एक्ट कर सकूँ, थोड़ा सा मुझे रिसर्च करना होगा, बिकॉज मैं ऊपर ऊपर जानती हूँ, ठीक है, एज अ फ्रेंड जानती हूँ, इतनी क्लोज फ्रेंड नहीं थे हम लोग, थे एक दूसरे को जानते थे काफ़ी, बट किसी के किरदार को, किसी के किरदार को अगर निभाना है तो उसकी लाइफ के बारे में, उसकी एक एक इंच के बारे में हमें नॉलेज चाहिए। तो अभी थोड़ा सा ये शूटिंग के बाद हम उस पर रिसर्च स्टार्ट करेंगे और वो काम स्टार्ट करेंगे। आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो कौन से प्रोजेक्ट पाइपलाइन में? मुकेश जी के साथ तो ये मैं धोखा कर रही हूँ, और दूसरा मेरे लिए बहुत बड़ा, जैसे मैंने बताया, एक और फिल्म है वो चैलेंजिंग है, जो प्रत्युषा बैनर्जी के ऊपर हम मुकेश जी फिल्म बना रहे हैं, जिनमें उन्होंने मुझे काम दिया है, मुझे उसका किरदार करना है। तो अभी उसके अलावा जो भी और मेरे 2 प्रोजेक्ट है तो उनके साथ मुझे इस पर ज़्यादा फोकस करना होगा, तो मैं वही सोच रही हूँ कि वो तो मैं करूँगी, वो मेरा काम है। अच्छा, हमारे पास जितना काम होता है वैसे हमारी आइडेंटिटी होती है, उसके साथ मेरा मेन फोकस होगा जो ये प्रत्युषा बैनर्जी वाला है, उस पर मुझे रिसर्च करना है, डायरेक्टर के साथ काफ़ी टाइम गुजारना होगा, उसके बारे में मतलब लोगों से मिलना होगा। तो मुझे लगता है धोखा के साथ साथ अगर मेरा कोई टाइम जाएगा, जो मेरी एक फिल्म और आने वाली है खालिद के दोई जी की, मेरा सारा टाइम इसमें जाएगा प्रत्युषा बैनर्जी वाले में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। परवा नहीं भाई।
धोखा। अब बाकी मुकेश जी कर रहे हैं डायरेक्ट, तो नो डाउट फिल्म तो धमाल मचाने वाली है। और रही बात धोखे की, तो धोखा तो वो देते नहीं है पर ये है कि बहुत अच्छे इंसान है और जो भी करेंगे मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत अच्छे से करेंगे। उम्मीदें तो उम्मीदें बहुत हैं और बेस्ट विशेष हैं हमारे, कॉन्ग्रेचुलेशन मुकेश अग्रवाल, बिकॉज तेरी फितरत में हम लोग ने साथ में काम किया है और फिल्म भी फेबुलस बनी है माशाल्लाह। और इस फिल्म के लिए काफ़ी सारी उम्मीदें हैं और मैंने कॉन्सेप्ट सुना है, मुझे बहुत पसंद था, अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं कर पाया, अदरवाइज मैं भी करता बट कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है और इंशाल्लाह अच्छा शूट करेंगे और अच्छे बनाएंगे, डायरेक्टर बेस्ट हैं वो, तो मेरी बेस्ट विशेष उनके साथ में। थैंक यू सो मच। हर पल है दुख। मैं, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं हमारे दोस्त मुकेश अग्रवाल जी जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, मेरी दोस्त तनीषा सिंह जो इस मूवी में मेन लीड कर रही हैं, और मेरे बहुत सारे दोस्त जो इसमें एक्टिंग कर रहे हैं। और मेरे सबसे खुशी की बात है कि इसका जो मुहूर्त सॉन्ग है वो मैं ही गा रहा हूँ और बहुत ही कमाल का सॉन्ग बनाया है हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर शबाब भाई ने। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से गाना इतना कमाल बना, मूवी भी बहुत कमाल बने, मेरी बहुत बहुत ज़्यादा उम्मीद है और शुभकामनाएं। गाने के लिए कोई विशेष तैयारी की गई थी या कुछ प्रिपरेशन के लिए आपको बताया गया, सिचुएशन बताया गया था उसको? नहीं, गाने के लिए तैयारी तो देखो, एक सिंगर तो हमेशा वो तैयारी रहता है, तो सालों की जो मेहनत है वो एक दिन में तैयारी हो नहीं पाती, पर यह है कि गाना बहुत कमाल है और आज के इस माहौल का गाना है, अगर आप सुनेंगे तो आपको एकदम ज़ुबान पे चढ़ने वाला गाना है। तो जैसे मैंने कंपोजिशन सुनी तो और लिरिक्स भी, तो मैंने तभी मुकेश जी को कहा कि यार ये सुपर हिट गाना है, तो कुछ गाने ऐसे होते हैं वो बन जाते हैं और वैसा गाना ये आज जो हम लोग रिकॉर्ड करने वाले हैं वैसे कुछ गाना है। और तैयारी इसमें यही है कि इसको बस अच्छी तरह निभा के लोगों तक अच्छी तरह आ जाए। ये दो लाइन हमारे दर्शकों को यार बीन बजा के विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। यस सर, आर्यन जी क्या कहना चाहेंगे, क्या शुभकामनाएं फिल्म में हर पल धोखा है? नहीं, मुझे इन्होंने नहीं दिया है। ये जैसे हमारी फिल्म की जो कहानी है जिस तरह से उस हिसाब से टाइटल रखा गया ऑब्वियसली, और एक बहुत ही एक्साइटिंग स्टोरी है, बहुत ही अच्छी एक स्टोरी है अपने आप में, तो बस। और मुकेश जी के साथ कई कुछ समय से हम लोग बात कर रहे हैं कि हमें साथ में काम करना है, तो अभी फाइनली हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। मैं बस हम सबको, पूरी टीम को, मुकेश जी और जो बाकी भी जो पूरी भाई हटिया साइड से यार। हाँ, चार बंगला महाराज जी की चीज है भाई। बोला
और मुझे बहुत खुशी है कि तनिषा जी और अरिंद वेजल सब मेरे जूनियर फ्रेंड है आर्यन सर, तो मेरे साथ बचपन से मेरे साथ मेरे डैडी और मेरे साथ में जॉइन करते थे। बहुत खुशी है कि मैं इतनी अच्छी मेरे का और एक हीरो सभी बड़े सुपरस्टार शाहरुख, ऋतिक, रणवीर, सलमान, दीपिका, जुल्दीका, मुफासा, अक्षय, रणवीर सिंह, रणवीर कपूर, सबकी लाइफ की पहली पिक्चर मैंने की है। इनकी फिल्म में भी मैं पहले से जुड़ा हुआ, तो होप ये लोग भी सुपरस्टार। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। मुकेश कल्पना से। रोल रोल गाइस। हां मुकेश जी, सबसे पहले ये है कितनी खुशी हो रही है आज ये मैंने इतने सारे लोग एक अकेला मुकेश निकले आज इतना बड़ा परिवार जहाँ से लोग मतलब यहाँ पर रहने वाले छोटे से सर्कल रहने वाले बचपन एक सपना देखा था जब मैं फिल्म देखा करता था कि मतलब मुझे भी प्रदीप यहाँ है बट हीरो बनने की चाहिए बॉम्बे आया लेकिन करेक्टर बन के देखा आई डायरेक्टर बन के देखे और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे बहुत ही खुशी है और साथ में प्रदीप जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जब उन्होंने बाबा का कॉन्सेप्ट सुना उनको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा और उन्होंने सुनते से ही फिल्म के लिए हानि हुई। धोखा की बात करें सर बेसिकली आजकल आप देखते हैं कि आए दिन हम लोग देखते रहते हैं कभी लड़की का कभी लड़का किसी का कभी आए दिन ये घटना होती रहती है तो बेसिकली कहीं ना कहीं मेरी इस फिल्म में हर लड़की हर लड़के को ये एक मैसेज मिलेगा कि वो जो भी कदम उठाते हैं खुशी करते हैं या कोई किसी को मार देता है ये इस करने से कोई मतलब नहीं। और धोखा बेसिकली कहा जाए ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसके बाद में पूरी तरह से खुल के तो नहीं बताना चाहूँगा बट जब भी आप ये मूवी देखेंगे तो मेरा वादा है कि क्लाइमेक्स जब जैसे ही आप देखेंगे आप सीट छोटी बढ़ाएंगे। मुकेश जी बात करें दर्शकों की उनके साथ तो कोई धोखा नहीं होगा? नहीं नहीं दर्शकों के साथ कोई धोखा नहीं होने वाला बल्कि दर्शक इस फिल्म को कई सालों तक याद रखेंगे काफ़ी समय बाद अच्छी सस्पेंस लेके आ रहे हैं साथ लेके आते थे काफ़ी समय से वो भी कोई ऐसी मूवी लेके नहीं आए तो हमने ही सोचा कि हम एक ऐसी कोशिश करें कि जो भी ये मूवी देखे वो इस मूवी को बस मस्त मुकेश जी किरदार की बात करें इस फिल्म में तेलुगू से स्टार सफन सीन अपनी फिल्म तेलुगू में थी वो हमारे डायरेक्टर थे उसके बाद हमने साहिल बेसिकली पंजाब से रहने वाले हैं और उन्होंने पंजाबी फिल्म और हिंदी में उम्मीद खान करीब उसके बाद आर्यन जी को तो सभी जानते हैं आर्यन जी ने कई फिल्में की हैं उनके बारे में मतलब बोलने लायक कुछ है ही नहीं बट आर्यन जी का बहुत ही महत्वपूर्ण करेक्टर है इस मूवी में जो कि मेरे ख्याल से आर्यन दर्जी ने तो ऐसा कोई करेक्टर प्ले नहीं किया मुकेश जी चलते चलते कानूनी सवाल जहाँ तक मेरी जानकारी है फिल्म बना रहे हैं उसका थोड़ा सा दर्शकों को सर बेसिकली दुकान में भी कुछ सा थोड़ा और अभी तक वो गुप्ती सुलझ नहीं पाई है उन सुलझी गुप्ती है और थोड़ा सा हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि सही क्या मतलब उनके बॉयफ्रेंड ने अगर सब किया है या उन्होंने खुशी की है जो भी है उसके पहले जैसे भी परिणाम आता है उसके हिसाब से और जो भी प्रतिष्ठा बनर्जी को जानते हैं उनको करीब से जानते हैं जब वो ये फिल्म देखेंगे उनको रियल में प्रतिष्ठा बनर्जी की याद आएगी। आखिरी सवाल मुझे जी चलते चलते ये कब तक फिल्म फ्लोर पे जाने वाली है? सर ये हम लोग जून फर्स्ट वीक को हम लोग फ्लोर पर लेके जा रहे हैं सर। पिक्चर भी जो पूरी स्टार्ट टू फिनिश तक की रहेगी कॉन्सेप्ट सुनने के बाद और जल्द से जल्द हम खेलने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें जो मुकेश जी ने बताया है कि इस फिल्म के अंदर एक ऐसा कंक्लूजन दिया है पब्लिक को कि जो पब्लिक को अंदर लाइक
सोच के अंदर ही संभाल कर रखते हैं और हर किरदार के ऊपर हमने एक डाउट जाता है, लेकिन लास्ट में जब प्रसाद देखते हैं उस तरह की ये फिल्म आपको नजर आए और एक अच्छे लेवल में अच्छा प्रमोशन करके इस फिल्म को रिलीज करें। मैं और हमारे फिल्म दोनों मिलकर इस फिल्म को एक अच्छी तरह से बनाकर जैसा एक अपने लड़के को प्रवेश करते हैं उस तरह इस फिल्म के ऊपर प्रवेश करके हम इसका रिलीज करने का प्रयास करेंगे और एक अच्छी तरह से जो आज बॉलीवुड में जो एक छोटी फिल्म थी बड़ी फिल्म की तरह आज धमाका मचा रही है, छोटे छोटे स्टार से बड़े पैमाने पे कर रहे हैं। क्यों कि आज जो है स्टार नहीं कॉन्सेप्ट चाहिए, एक तो खान ब्रदर्स नहीं तो फिर एक कॉन्सेप्ट चाहिए, वो कॉन्सेप्ट पूरी फिल्म को एक म्यूजिक पूरी फिल्म को लेके जाता है और उसके बाद जो है फिल्म अभी जब दर्शक देखती है तो उसको होना चाहिए। हम वही कोशिश करेंगे कि पब्लिक पूरा उनको पैसा इसमें फिल्म देखने के बाद रिटर्न मिले और एक एंटरटेन मिले, क्या जाके बाहर निकल कर लोग टेंशन में आ जाए, एक हंसते हुए लेके जाए भाई इस फिल्म में एक सब्जेक्ट है और एक मैसेज है इस प्रकार का, और ये करके हम इस फिल्म को पूरी तरह से करके जल्द से जल्द रिलीज करेंगे। मेरे मित्र जी फिरोज भाई जो है, मैं हैदराबाद से आया हूँ। ऐसा ही जो मुकेश भाई ने हमारे को स्टोरी सुनाया तो उसमें हमको इतना इंप्रेशन लगा कि हम जो है फाइनेंस करने को प्रोड्यूस करने को तैयार हो। ऐसी कोई बात नहीं है, जो है धोखा तो जो है सिर्फ नाम का है, बाकी जो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है और जो है पब्लिक देख के जो है मतलब जो उनको ऑडियंस को भी जो है पसंद आएगा और क्लाइमेक्स इसका जो है कोई जान नहीं सकता वैसा जो इसका नहीं देता। मुकेश अग्रवाल की बात करें और आप लोगों को कितना कॉन्फिडेंस है उनके ऊपर, मतलब उन्होंने जो पिक्चर बनाई है पहले उसमें जो है उनको जो है पूरा तरीके से हम जो है कॉपरेट करने को तैयार है और जो इनका कॉन्सेप्ट है वो बहुत सही है, जो है उसको जो है सोच बूझ के जो है मतलब जो कदम उठा जी स्वागत।